बड़ी खबर आपको बता दें, रामलला की मूर्ति गर्भगृह में स्थापित की गई है। 4 घंटे की पूजा के बाद विधि विधान से भगवान श्री राम की मूर्ति गर्भगृह में पहुंची है। जिसका इंतजार था वो इंतजार अब पूरा हो चुका है। रामलला की मूर्ति जो कि 5 फीट ऊंची है, बाल स्वरूप के दर्शन आपको होंगे, वो गर्भगृह में स्थापित हो चुकी है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। विधि विधान से मूर्ति की स्थापना की गई है, विशेष अनुष्ठान भी चल रहा है। यतेंद्र, न्यूज 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। यतेंद्र, गर्भगृह में मूर्ति भगवान श्री राम की बाल स्वरूप की पहुंच चुकी है, 4 घंटे तक पूजा चली है, और क्या जानकारी मिली है? न्यूज 18 इंडिया संवाददाता यतेंद्र हमारे साथ बने हुए हैं। यतेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? गर्भगृह में मूर्ति स्थापित हो गई है, और कोई कार्यक्रम आज होने हैं? देखिए, बिल्कुल 16 जनवरी से शुरू हुए प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान का आज तीसरा दिन है और रामलला गर्भगृह में अपने आसन पर विराजमान हो गए। और जो जानकारी मिल रही है वो यही कि उनकी स्थापना राम यंत्र पर की गई है और मूर्ति की स्थापना का जो पूजन है यानी कि जो अनुष्ठान है करीब 4 घंटे तक चला और इसके बाद अभी कुछ और पूजन अनुष्ठान होने हैं, वो भी जिसे वरुण पूजन वगैरह कहते हैं वो सब होंगे और लगातार 21 तारीख तक इस तरह के अनुष्ठान चलते रहेंगे। टोटल 12 अनुष्ठान अधिष्ठान होने हैं, तो वो सभी को पुजारी लगातार अनवरत इस पूरे प्रोसेस को करने में लगे हुए हैं। ठीक है यतेंद्र, शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 दिन का समय और 22 तारीख को मूर्ति स्थापित। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के दिन मंदिर ट्रस्ट की ओर से विशेष प्रसाद के पैकेज सभी राम भक्तों को वितरित किए जाएंगे। ये प्रसाद जयपुर में विश्व हिंदू परिषद ने तैयार करवाए हैं। आज 1 लाख प्रसाद के पैकेट अयोध्या के लिए रवाना किए गए हैं। 22 जनवरी को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के लिए देश भर में कार्यक्रम चल रहे हैं और देश भर से कुछ न कुछ अयोध्या भिजवाया जा रहा है। कुछ वक्त पहले सरसों का तेल सीता रसोई के लिए भिजवाया गया था जयपुर से, और जयपुर से ही अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रसाद भिजवाया जा रहा है। 1 लाख पैकेट भिजवाए जा रहे हैं राम भक्तों के लिए, जिससे देश भर से जो राम भक्त आएंगे उनको प्रसाद वितरित किया जा सके। आप देखिए कि यहाँ पर ये प्रसाद के अंदर, ये देखिए कि ये प्रसाद में यहाँ बूंदी, और क्या नाम है सर आपका? नरेश सौखिया। नरेश जी, आप क्या भिजवा रहे हैं आप इसके अंदर? इसमें बूंदी है देशी घी की, 1 लाख पैकेट है। ये इसकी पैकिंग इस प्रकार की है जो 1 महीने तक खराब नहीं होगी। ये अपने माननीय चंपत राय जी जो ट्रस्ट के, राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मंत्री हैं, वो जयपुर पधारे थे, तब उन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि राजस्थान से ये हो। आज समाज बहुत कुछ करने के लिए तैयार है, योजना देने की आवश्यकता है। पूरा विश्व इस दिन का इंतजार कर रहा है और आज राम मैं